आंगनवाड़ी सुपरवाइजर संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में हड़ताल कर रही महिलाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में पोस्ट कार्ड लिखकर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया है। 10 दिनों से हड़ताल पर बैठी इन महिलाओं की सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विडंबना ये है कि जहां सरकार लाडली बहना योजना के नाम पर करोड़ों रुपए मुफ्त में बांटने की योजना बनाई है, वहीं इन सहायिकाओं, कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजर बहनों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा नहीं मिलने से यहां रोड पर बैठकर हड़ताल कर रही है। क्या ये महिलाएं मुख्यमंत्री की लाडली बहना नहीं है? संघ की तरफ से पर्यवेक्षक संघ, परियोजना अधिकारी संघ और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ सबका संयुक्त मोर्चे से अनिश्चितकालीन अवकाश पर है। और आज हमारा आज के दिन तक हम लोग 10 दिन हो गए, लेकिन ना शासन प्रशासन किसी भी प्रकार की संयुक्त मोर्चे संघ की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। और आज हम लोग मरीचिका गार्डन के बाहर बैठ के हमारी मांगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना प्रदर्शन करने के लिए पोस्ट कार्ड के माध्यम से इकट्ठे हुए हैं। और इसमें हमारी जो विशेष मांगे जो है, हमारी संविदा कार्यकर्ता जो हमारे संविदा सुपरवाइजर जो हमारी है, जो विगत 14 वर्षों से इस विभाग में कार्य कर रही है, इन्हें नियमित किया जाए, हमारा पे ग्रेड सुधारा जाए। आज हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के पोस्ट कार्ड के माध्यम से हमारी मांगों का ध्यानाकर्षण किया गया है। आज तक प्रशासन और शासन हमारे और उनका कोई ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है, इसलिए हम उनका ध्यान आकर्षण करने हेतु यहाँ पर पोस्ट कार्ड लिखने के लिए मरीचिका गार्डन के अंदर सभी शांतिपूर्वक ढंग से बैठे थे, लेकिन यहाँ से भी हमको निकाल करके बाहर कर दिया। हमको नगर निगम वालों ने बोला कि आपने यहाँ पर सार्वजनिक स्थल होने के बावजूद भी आपने यहाँ पर लिखित में हमसे अनुमति नहीं मांगी कि हम अंदर बैठे। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को उनका ध्यान आकर्षण करने हेतु, अपनी मांगे पूरी करने हेतु आज हमारी हड़ताल का 10वां दिवस है। और आगे कल हम लोग 25 तारीख है, हमको अनुमति दी जाए यहाँ से प्रशासन द्वारा कि हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से कल मानव श्रृंखला बनाते हुए एक ज्ञापन हम देना चाहते हैं। बुरहानपुर से EMS TV के लिए अकील आजाद की रिपोर्ट।